हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएई के न्यू कोविड अपडेट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 13 जन से यूएई की न्यू कोविड अपडेट आई है उसके बारे में। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं यूएई के अंदर, तो उनको कोविड की गाइडलाइन बार बार चेंज होती है, वही उनको देखना पड़ता है। तो जब दुबई के लिए जा रहे हैं या फिर यूएई में कोई और भी जगह पे जाना होता है तो उसके लिए हमें कोविड की गाइडलाइन देखनी पड़ती है। तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ यूएई की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अबू धाबी उसके बारे में, जो फेमस है उसके मॉस्क के लिए और दूसरा फेरारी वर्ल्ड के लिए। तो वहाँ पे लोग जॉब के लिए भी जाते हैं और टूरिस्ट भी जाते हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो जॉब और टूरिस्ट के लिए जो जाते हैं उसकी गाइडलाइन इस तरह की होती है कि वहाँ उनको जब भी एयरपोर्ट से निकलते हैं या कहीं पे भी अबू धाबी में लैंड करते हैं तो उनको राइट साइड लेन में ही जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह होते हैं उनको भी पता रहता है कि उनको जो भी राइट साइड लेन है वहीं पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो भी टेस्ट होता है और कोविड की जो भी गाइडलाइन होती है वहाँ से उनकी चेकिंग होती है। तो जब भी वो राइट लेन में आते हैं तो जो भी ट्रैवल करके आए हैं या फिर विजिटर है या फिर वहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं, तो सबके पास जो भी उनके जो दो वैक्सीन हो गए हैं उनके पास टेस्ट के रिपोर्ट्स होने चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होते हैं वो होने चाहिए, और उनके पास वहाँ पे जो एक एप्लीकेशन होती है अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपके पास एप्लीकेशन का नाम है अल हुस्ना, वो एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। वहाँ उसमें ग्रीन स्टेटस होता है तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप वहाँ कहीं पे भी आराम से मूव कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। और हम बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज वहाँ पे अभी तक सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सेगमेंट में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही अभी रखी है। तो रेस्ट ऑफ के पास दो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है तो वहाँ पे अबू धाबी में आराम से घूम पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट्स। और अगर हाँ, और वन मोर चीज़, अगर आप वहाँ जाते हो और उसके अंदर वहाँ पे आपका रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन जो स्कैनिंग प्रोसेसर होता है वहाँ पे अगर आप में कोई सिम्टम्स दिखाई देता है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो आपका वहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद ही आपका जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो होता है। तो ये थी अबू धाबी और यूएई की अपडेट्स जो 13 जन से पब्लिश की गई हुई है। तो मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।